नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो कलकत्ता से चलकर ट्रू मीडिया स्टूडियो आए हैं। आप गीत, गजल, छंद, मुक्तक आदि लिखते हैं। आप हैं श्री कृष्ण कुमार दुबे जी। कृष्ण कुमार दुबे जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। नमस्कार ओमकाश जी, नमस्कार सभी को जी। दुबे जी, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि आपका साहित्य के क्षेत्र में कैसे आगमन हुआ? साहित्य के क्षेत्र में आगमन इस तरह हुआ, मेरी रुचि तो युवावस्था से ही थी जी। मैं गीत, गजल इत्यादि की किताबें पढ़ता था जी जी, वो भी खूब पढ़ता था जी। और कहीं साहित्यकारों को जी से मुझे प्रेरणा मिली जी। और क्योंकि मैं उस वक्त तमाम जिम्मेदारियों से बंधा हुआ था जी, पारिवारिक जिम्मेदारी, अपने कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी जी जी, इसलिए उस समय शुरुआत नहीं कर पाया मैं जी। लेकिन सेवानिवृत्त के बाद जी मैंने कलम पकड़ी। क्या बात है, और तब से लिखता आ रहा हूँ। मतलब ये मान के चले कि युवावस्था से सेवानिवृत्ति तक जो आपके भाव थे, जो दिल के अंदर, मन के अंदर जो थे, उनको आपने सेवानिवृत्ति के बाद कलम उठाई और कागज पर उसको उद्गार कर दिए। जी जी, बहुत अच्छे, बिल्कुल। एक और प्रश्न दुबे जी, बन रहा है, यकायक दिमाग में आ रहा है और उसे अन्यथा सा ना लें कि ज़्यादातर हमने देखा गया है कि कोई व्यक्ति को किसी के प्रेम में कभी धोखा मिलता है, माशुका से मिलता है या किसी अन्य से मिलता है, तभी वो गीत या गजल लिखने इसलिए प्रेरित होता है। क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटी? प्रेम तो शाश्वत है जी, प्रेम माँ से भी है जी होता है, प्रेम पिता से होता है जी, प्रेम परिवार से होता है जी जी जी, प्रेम पत्नी से होता है, प्रेम जी, बच्चों जी, से होता जी, है जी, जी, प्रेम शाश्वत है, बिल्कुल। तो इस तरह प्रेम तो हमेशा आदमी के मन में, दिल में रहता ही है जी, और कुछ न कुछ वहाँ से भाव निकलते हैं जी, जो गीत गजलों में ढलते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि आपके किसी दोस्त के साथ, मित्र के साथ, उसकी महबूबा ने या प्रेमिका ने धोखा दिया हो और आपके मन में वो जिज्ञासा उठी हो कि मैं कुछ लिखूं उसके लिए? कहानियाँ पढ़ता था जी, तो उसमें कुछ ऐसी बातें आती थी जी जो कि दिमाग में घर कर जाती थी जी जी जी, और जी, उन सब से प्रेरणा लेकर के जी भी हमने लिखना शुरू किया था जी 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 जी। उसमें से भी कुछ भाव मिलते थे जी, जो कि कलम। मेरा ये प्रश्न उठाने का मकसद ये था कि ये भाव हमारे दर्शकों तक पहुँचे जी, कि अगर प्रेम में आदमी कहीं प्रेम मिलता है या नहीं मिलता है तो उस पर गीत गजल बनते हैं या नहीं बनते। सिर्फ उद्देश्य मेरा ये था, यहाँ दर्शक जानना चाहते हैं। ऐसा कोई आपका व्यक्तिगत वो नहीं है, अगर आप बताना चाहें तो बता ना। मेरा व्यक्तिगत तो नहीं है जी, लेकिन मैंने पढ़ा है इस तरह जी, जी कि इस तरह तमाम शायर हुए हैं जी, जो कि प्रेम में असफल होने के बाद लिखना शुरू किए हैं जी जी जी। वही मैंने आपसे प्रश्न किया, मगर मेरा ऐसा नहीं है जी इस तरह। अच्छा, आपने कहा आपके जीवन में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ। अच्छा, अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ। वाह 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 वाह, इसलिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप भाभी जी के डर से ना बता रहे हो हमारे दर्शकों को? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आप गीत, गजल, छंद, मुक्तक लिखते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अपनी कोई प्रिय रचना, हालांकि लेखक की सभी रचनाएं प्रिय होती हैं, जो आपको अच्छी लगती है, हमारे दर्शकों को चार लाइनें सुनाएं जी। जी स्वागत है। एक गजल है जी, स्वागत है। तो सूरत को देखना न शबाहत को देखना, आहा, सूरत को देखना न शबाहत को देखना जी, बस आदमी की चाहिए सीरत को देखना। वाह, बस आदमी की चाहिए सीरत को देखना। वाह, और ये शेर है कि मतलब बगैर जी कौन भला पूछता यहाँ, आहा, मतलब बगैर कौन भला पूछता यहाँ जी, सब चाहते हैं अपनी जरूरत को देखना। क्या बात, सब चाहते हैं अपनी जरूरत को देखना। वाह 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 वाह, और मतलब भी सुनाए इसका, क्योंकि समय का अभाव रहता है। जी जी जी, स्वागत है। तो और देखें दो पंक्तियाँ जी, कि दुनिया में झूठों का बोलबाला है दुनिया में हर कहीं जी, झूठों का बोलबाला है दुनिया में हर कहीं, कुछ मानने से पहले हकीकत को देखना। क्या बात है, क्या मानने बात से है? पहले बहुत हकीकत अच्छे, को बहुत देखना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर आपकी गजल है। और दो पंक्तियाँ जी, गर
देखना है जी, देश पे कुर्बानियों का जोश जी, अगर देखना है देश पे कुर्बानियों का जोश, वाह वाह, सरहद पे सैनिकों की शहादत को देखना, वाह वाह, सरहद पे सैनिकों की शहादत को देखना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं जी, जैसा कि हमने आपसे गीत गजल छंद मुक्तक के लिए दर्शकों से आपने रचना सुनाई, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपकी अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? मेरी साझा पुस्तकें एक दर्जन से ज्यादा प्रकाशित हो चुकी हैं जी जी, और मेरी एकल पुस्तक जी प्रोसेस में है जी, और जल्दी ही वो होगी सामने सबके, मतलब ये माने कि आपकी पांडुलिपि तैयार है जी, जी जल्दी ही हम लोगों के हाथ में हो, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुभकामनाएं दुबे जी, आपको अग्रिम शुभकामनाएं आपके बहुत, पुस्तक बहुत के लिए, शुक्रिया आपका जी जी। हम आगे बढ़ते हैं दुबे जी, जी। जैसा कि साहित्य के क्षेत्र में आपका युवावस्था से ही रुझान रहा है, तो हम ये जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि आपका साहित्य के क्षेत्र में कौन आदर्श रहा है? कई गीतकार और गजलकार मेरे आदर्श रहे हैं जी जी, जी। जिनमें एक हैं कि डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, दीक्षित दनकौरी जी जी, और आप ये दुष्यंत कुमार जी, वाह वाह। इन लोगों की पुस्तकें हमने बहुत पढ़ी हैं जी, इन लोगों को सुना भी है, वाह वाह। तो इन सबसे प्रेरणा लेकर के मुझे जो है लिखने की प्रेरणा हुई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। हम आगे बढ़ते हैं जी, कि हमने ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो हमारे आज के भारतीय युवा हैं, वर्तमान में जो भारतीय युवा हैं, उनके अंदर साहित्य की रुझान, साहित्य का आकर्षण बहुत कम है, ये कहें कि ना के बराबर है जी। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण ये है जी, आजकल के युवा जी अपनी भारतीय संस्कृति से जी दूर हटते जा रहे हैं। वाह बहुत अच्छे। इसका कारण कई तरह का है, कुछ माहौल घर का भी उनका हो सकता है जी, बाहर का वातावरण, दोस्तों की संगत भी ऐसी हो सकती है जी। ज़्यादातर समय आजकल उनका सोशल मीडिया पर बीतता है जी जी जी, कमेंट करना, क्या नाम है, बेमतलब के चैट करना जी जी, इन सब उनका समझ आता है जी जी जी। तो उन्हें चाहिए कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं, बहुत अच्छे, और माता पिता का आदर करें जी, अपने परिजनों का आदर सम्मान करें जी जी, ये उनकी अपेक्षा है। लेकिन ये बच्चों की जिम्मेदारी क्यों मानते हैं? क्या अभिभावकों की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों को ऐसे संस्कार दें? बिल्कुल है जी, लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो है जी सुनती कहाँ है जी। ऐसा भी आया है कि माँ बाप की बात सुनते नहीं है। क्या 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 कारण हो सकता है? कारण क्या? परिवार से ऐसे संस्कार नहीं मिलते, भारतीय संस्कृति उनके जहन में, उनके मानसिक तौर पर नहीं जाती, या कोई और कारण बन रहा है? कारण ज़्यादा कुछ नहीं है, कारण यही है, माँ बाप तो हमेशा चाहते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे बने जी, हमारी संस्कृति से जुड़े जी, लेकिन कुछ उनके दोस्त मिल जाते हैं जी। और ज़्यादातर हम तो इसको मानते हैं, इसका कारण सोशल मीडिया को जी 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 जी, ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, इस पर जो है इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको अपनी संस्कृति के बारे में सोचने का समय ही नहीं। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही कहा आपने दुबे जी। हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न करना चाहते हैं कि आप इस चैनल के माध्यम से भारतीय युवाओं को और उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा यही संदेश होगा जी, अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान रखें, नज़र रखें, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं जी, इन सब पर नज़र रखें जी, उन्हें पटरी पर ले आएं जी, उन्हें भारतीय संस्कृति की के महत्व के बारे में समझाएं जी, और बच्चों को भी चाहिए कि ऐसे दोस्त बनाएं जो उन्हें अच्छे संस्कार की बात करें जी, अच्छे रास्ते पर ले चलने की बात करें। भारतीय जो हमारी पुस्तकें हैं, दर्शन की किताबें हैं जी, वो सब उन्हें पढ़ना चाहिए, जिससे भारतीय संस्कृति की तरफ उनका झुकाव हो, आकर्षण हो जी, जी, और देश के हमारे भविष्य हैं, आज के बच्चे ही तो हमारे भविष्य हैं जी, कल के वही नेता बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे जी, 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 तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। कृष्ण कुमार दुबे जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और दर्शकों का भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।